coveted artists of India, Yusuf Ji, Shridhar Iyer, Sanju Jain, and Hemant Rao. Paix de la lumière in French, which means let's have light. Abstraction in our nation always got embedded with metaphysical universe. हमारे यहाँ abstraction को लेकर के बहुत सारे दुविधाएं या लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है. इसलिए let me make it clear little bit आपको abstraction क्या है. It's just beyond the vocabulary. हर चीज हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं. कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हम हंस लेते हैं, जब हम रो लेते हैं, उसके कोई मतलब नहीं होती है, उसकी कोई वर्ड शब्द से हम बयान नहीं कर सकते हैं. उस जो लेवल है वहां पे पहुंचने के लिए एक जर्नी होती है इंसान के. हर इंसान में एक जगह होता है जहां जिसके बाद आपके शब्द रुक जाती है. तो वही है, वहां से जर्नी शुरू होती है कि एब्स्ट्रैक्शन में वॉइड इमेजिनेशन. ये वर्ड इमेजिनेशन हमारे देश में सदियों साल से चल रही है और जो यहाँ के एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. वेस्टर्न वर्ल्ड में 1960-70 के तरफ एब्स्ट्रैक्शन का जो दौरा चला था, मगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो यंत्र जो बनाए कब बनाए हमको तो पता नहीं है, इसकी डेटिंग किसी को पता नहीं है. मगर हमारे यहाँ जो यंत्र है आज देखा जाए तो रजा जी का जो वर्क है जो बुंदी बिंदु पर शुरुआत होती है, ये सारे हमारे यहाँ हजारों साल वर्ष पहले तंत्र या यंत्र में ये देखा गया है. तो यहाँ पे हमारा शब्द देखिए, हमारा जो म्यूजिक है, आर्ट है, हर जगह पे हम एब्स्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा जो पहला ओंकार है ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन है. हमारे यहाँ पे जो म्यूजिक होती है ता ता थे, ये जो बोल है ये भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है. ये कहां से आया, ज्यादातर लोगों को हमको पता नहीं है. ये आया है हमारे यहाँ के जो ज्ञानी लोग थे पहले, वो बाकायदा सालों साल रिसर्च वर्क करी है. जैसे नॉर्थ ईस्ट की जब विंड चलती है उसकी जो साउंड है वो साउंड वेव से उनकी जो पत्ते की आवाज आती है उससे उन्होंने ये बोल बनाया है. ये बहुत कम लोगों को पता है ये बोल आया कहां से है. एब्स्ट्रैक्शन जो है ये है कुछ नहीं, जो हमें पता नहीं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं. मगर एब्स्ट्रैक्शन ऐसा कोई भी जॉनर नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो सच में होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही. इट एग्जिस्ट, इट्स नॉट द फॉर्मलेस. हम कभी कभी फॉर्मलेस कह देते हैं, फॉर्मलेस नहीं है, इसमें फॉर्म है जिसका नामकरण नहीं हुआ है. बस ये दो शब्द में मैं इसकी थोड़ा छोटा सा बयान कर दिया. तुम्हें ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो ऐसे बन जाएगी, इसमें तो आप रात दिन इस पर भाषण दे सकते हो. ये बहुत बड़ी चर्चा है तो यहाँ पर काफी तरफ बहुत सारे लोग आए हैं जो आर्टिस्ट है नॉन आर्टिस्ट है, थोड़ा सा समझने के लिए हमने छोटा सा इसमें आपको बोल दिया. फर्स्ट थिंग इज दैट आई मस्ट थैंक यू पीपल बिफोर आई गो अहेड विद द होल थिंग. शाहबुद्दीन मोहम्मद साहब जो हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, आई लाइक टू थैंक हिम फॉर कमिंग ओवर हियर एज अ चीफ गेस्ट. एंड बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इतना फेमस आदमी है मिस्टर नवी भट्ट सर, जो हमको अक्सर हम लोग टीवी में देखते हैं. इज वेरी फेमस इन लखनऊ एज वेल एज इन इंडिया. रोज ही पेपर में आते रहते हैं, चर्चे में रहते हैं. तो नवी भट्ट सर की एक जोरदार तालियां हो जाए. एंड आई ऑल्सो मस्ट थैंक माई ओन पीपल, माई अनुराग जी, वेर इज ही, जिसके सहायता बिना ये पॉसिबल ही नहीं था. इट वॉज जस्ट ए ड्रीम चाइल्ड जिसको आकार देने वाले अनुराग जी है और ये मानसी मैम है. इन दोनों के सहायता से हम ये शो कर पाए, तो इसलिए मैं इन दोनों का आभारी हूँ क्योंकि ये भोपाल से मेरी बहुत पुरानी रिश्ता है. जो ये यहाँ पे हमारे जो मित्र है या मेरा तो क्या कहे जाए, लोग इतने गरीब आर्टिस्ट जो है, मेनली बाबा सर है, सुशुभ जी आ नहीं पाए. मैं उनके तरफ से आप लोग से थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि सुशुभ सर का फ्लाइट टिकट टेकअप नहीं कर पाए, इसलिए वो आ नहीं पाए. ही वाज आल्सो अबाउट टू कम. ही इज अ सीनियर मोस्ट पर्सन इन आवर पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट एंड ही इज आल्सो एक्स डायरेक्टर ऑफ भारत भवन एज वेल एज एक्स डायरेक्टर ऑफ पटना पटना म्यूजियम. तो बहुत ही नामी आर्टिस्ट है, बहुत ही नामी और बहुत ही सुंदर कलाकार है. उनका वर्क्स तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, तारीफ की
से बाहर चले गए और मेरे पास और अच्छे आर्टिस्ट में से सारे आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट हैं। संजू जैन मैम है जिनसे एक बार अच्छा कलाकृति है उनकी, आप देख लेंगे उनके जो टेक्सचर है वो एक अनोखा है और जो वे ऑफ अप्रोच है वो भी बहुत सुंदर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे एक बहुत खास फ्रेंड है, मेरा छोटा भाई है ये हेमंत राव और जिनके साथ मेरा आज भी सालों के संपर्क है और आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से यहाँ पर हूँ। तो फर्स्ट एक हम यहाँ कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे बड़ा शोध की तरफ से हम शाबुद्दीन सर को पहले मौके से ऑनर किया करते हैं। मानसी मैम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। संजय जी ने वैसे बार डिटेल में अभी सारी चीजें बता दी है तो मैं एग्जीबिशन के बारे में तो नहीं बताऊंगा। हाँ ये जरूर है कि मैं वेलकम करूंगा, बिल्कुल जिनसे कह दिया आज के जो इंडिया के टॉप आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हैं जैन संजू जैन जी हैं और हेमंत राव यंग आर्टिस्ट, और उनकी पेंटिंग देख के लगा कि वे उभरते हुए आर्टिस्ट हैं। मैं आपने भी शॉर्ट में कहा, मैं आर्ट के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कि वैसे तो क्रिएटिव फील्ड की बहुत से आर्ट्स इज अ बिग रेंज ऑफ थिंग्स, लेकिन पेंटिंग खास तौर से इमोशन, क्रिएटिवनेस, इमेजिनेशन, इन सब का जिसे कहिए निचोड़, ये पेंटिंग में नजर आता है। और किसी ने बहुत ही सही कहा है कि अगर हम हर चीज वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते तो शायद पेंटिंग की जरूरत ही न पड़े। पेंटिंग इज मच अबव रिटन वर्ड, जो मैं हम लोग लिख के बोल सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो पेंट करके उससे बहुत ज्यादा कुछ चीजें आप दिखा सकते हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन में फिर से कहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं कॉल अपन रविभट जी, प्लीज दो शब्द आप सबके लिए कहेंगे। हेलो एवरीवन, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, माय फेमस पेंटर्स हियर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज आई इनवेरिएबली आई कॉल दिस प्लेस
at the conference of all kind of creative culture. This I would like that all of you should give a big hand to Kala Sudhar family. A big hand for that. Because Anurag Nilwania as well as Mansi Nilwania, this couple has created, they were a vacuum in Lucknow, let me tell you very honestly. I'm not against anyone, but any government agency has failed to create this kind of a cultural adda. You go to any you know, because unfortunately, I mean, with due apologies to him, the moment government starts, you know, takes anything, creative thing in his hand, things, they don't move, they don't evolve on their own. There are other forces which are at work. But fortunately for both of them, they have created this. You can see the feathers all beaming faces here. Jitne log khush dikh rahe hain yahan par, jab aate hain, and my experience with this place is ki anytime you have the time, you simply walk in here. You will find someone here with whom you can share your thoughts. You can talk about the visual arts. You can talk about anything else. And this is something I think I must admire for his contribution of these people to Lucknow. You have brought the Lucknow on the national map of the country. So that's something very important. And as for the artist, I'll just like to say, when I have come here right now, I came 15 minutes before the time. So I asked a friend of mine, again a very good result, Mr. Adesh ji hain yahan par. Mr. Adesh was there. I asked him ki mere ko pehle painting chalke dekhte hain, main aata hu. Painter se main baat nahi milunga. Jab maine painting dekhi, to yakin maniye ki mera man kar raha tha ki kisne paint kiya, I must meet the creator. And then after visiting the gallery of painting, when I started meeting these artists, I had altogether different feelings that I am meeting a real creators. Thanks a lot to all the four artists who have done a favor to Lucknow, to all of us, by coming with their work here. And thanks a lot to everyone. Thank you, Ravi ji. It's a pleasure having you here. And अब मैं यहाँ पे हमारे गैलरी के डायरेक्टर मिस्टर अनुराग निर्वाणिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा दो शब्द हमारे सबके लिए वो बिल्कुल कहे वेलकम फ्रेंड्स और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ अभिजीत सर का फरजाना मैम का और भट्ट सर का ये सब हमेशा हमारे इनका सहयोग और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है और सबसे और आपके आर्टिस्ट जो हमारे अय्यर भी अय्यर बाबा सामने हैं और संजू जी अभी हमारा और हेमंत यूसुफ सर आ नहीं पाए किसी वजह से तो अभी मेरा इंटरेक्शन इन लोगों के साथ हो रहा था दिन भर हम लोगों ने दिन भर चिट-चैट करी आपस में तो जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है इस सब में वो वही होता है कि मैं इन लोगों के साथ बात करने का इनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि हम लोग जिंदगी में कितना लोड लेके चल रहे हैं और ये जिंदगी में इतना सिंपल तरीके से जीते हैं और हम सब इसी टेंशन में लगे रहते हैं कल का परसों का नर्सों का खैर वो तो सब ठीक है और बस मैं यही कहूँगा सबसे पहले सब आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने इतने बड़े नंबर्स पर आके इन आर्टिस्ट का इनसे आपको इंटरेक्शन करने आए आप और वैसे ये सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए ये बोलना और फिर मुझे दे दिया गया माइक और जो कुछ भी गलत सही बोला वो माफ करिएगा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अब मैं मानसी मैम नहीं आपको छोड़ा नहीं जाएगा प्लीज 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 थैंक यू सो मच ये एग्जीबिशन कभी कंप्लीट नहीं होती जब आप सबका सहयोग नहीं होता आप सबके सहयोग के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स प्लीज अब इस एग्जीबिशन का मजा लीजिए अब हम लैंप से हम उद्घाटन करने जा रहे हैं तो जो हमारे भारत के परंपरा रहा है ये लैंप्स को जलाकर हम हमेशा शुरू करते हैं
तो हम शाहबुद्दीन मोहम्मद सर को और विभर सर को कहते हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, प्लीज आगे जाएं और लैंप को जला कर हमारे कलाकारों को और हमारे एग्जीबिशन को इनॉग्रेशन कर दें। आप लोग अभी एग्जीबिशन को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और हमारे स्नैक्स रखे हुए हैं। आप हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी थोड़ा सा सबर करें, हमारे कलाकारों से दो दो शब्द हम सुनना चाहेंगे आप लोग सब मेरे ख्याल से, और दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो सिद्धार्थ अय्यर सर से बोल रहे हैं, वो आए दो शब्द सबके बारे में। और आप जी वहाँ से दलित और मेरे मित्र अवधेश और भी बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ आए हुए हैं लखनऊ से, तो सारे दोस्त जो लखनऊ के कलाल सिंह हैं उन सब करता हूँ। ये शाम वैसे भी जो है संस्कृति के लिए काफ़ी जाना जाता है, यहाँ के व्यंजन, यहाँ की चिकनकारी और कोयला पार्क, इसका काफ़ी नाम है देश में, किस तरह से लखनऊ को जाना जाता है। इस देश के जो कला आंदोलन है उसमें लखनऊ का एक अपना महत्व है। कोयला पार्क ने बहुत सारे कलाकारों को जन्म दिया है और उन्होंने देश में बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशल स्कल्पचर के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए यहाँ के कलाकारों को जाना जाता है। भगवती सरोजपाल और भी बहुत से जयकिशन जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्ट टीचर्स हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न से बहुत से कलाकारों को ज्ञानवर्धन किया है, उन्हें देश में जो है अवसर मिला है। अभी नए यंग्स में हरीश ओझा और उनकी पत्नी जो है सोनम, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम लगातार देश में कई दूसरे शहरों में विदेश में देखने को मिलता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे जो कला रसिक हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और इस शो को और यहाँ जो और मेरे दूसरे जो मित्र आए हुए हैं उनका उत्साह वर्धन के लिए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब मैं संजू जैन मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा, दो शब्द हमारे यहाँ बीच बोले अपने वर्ड के बारे में, थोड़ा सा वर्ड के बारे में बोले। आप सभी को नमस्कार, आपका जो अनुभूति मुझे हो रही है ये मेरे काम के लिए बहुत बहुत मुझे काम करने के लिए प्रेरित करेगी कि इतने लोग इतना हमारी वर्क को देख रहे हैं, पेंटिंग्स को देख रहे हैं, हमको सराह रहे हैं, जैसे हमने बहुत कुछ विशेष किया है ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपने काम के बारे में जरूर मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक स्त्री होने के कारण हमारे पास भगवान ने और ऐसे बहुत सारे बंधन है, उन बंधन को मैं कहाँ तोड़ सकती थी, तो वो मैंने कैनवास पे उन सारे बंधनों को तोड़ा। ये
नहीं सुनती काम के बारे में, कोई उसको अच्छा बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, मेरा दिल जो करता है मैं वो करती हूँ और मैं रंगों के साथ खेलती हूँ। तो मैं जब पेंट करती हूँ तो वो समय मेरे लिए सबसे सुंदर सुखद होता है, तो मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से रंगात्मक ढंग से जी रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू संजू मैम। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हेमंत राव को, वो अपने वर्ड के बारे में दो शब्द कम से कम बोलते हैं। थैंक यू। आप सबको इतने सब लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि मेरा काम अगर आप देखें। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं हम अपने लिए खुशी के लिए बनाते हैं, हम देखते देखते बनाते रहते हैं, पर जब इतने सारे लोग आके अगर अपनी आंखों में उसको बसा के ले जाते हैं, वो इमेज को बसा के लेके जाते हैं, तो वो खुशी और उस पेंटिंग की उम्र बहुत बढ़ जाती है। आंखों में और अपनी जो इमेज लेके जा रहे हो, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं देखी हो, और देखी भी हो तो वो जो हम बार बार देखते हैं, तो मुझे लगता है वो हर बार और बेहतर होगी और खुशी मिलती है इसलिए कलाकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय करें। और फिलहाल अभी तो चार बार के उसको देखें और तो सभी के कामों को थोड़ा थोड़ा देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू एवरीवन। सो आप लोग पेंटिंग को देखिए और जरूर आर्टिस्ट से भी बातचीत कीजिए और एंजॉय दिस शो, हैव अ नाइस डे एंड हैव सम स्वीट स्नैक्स आउटसाइड, वी हैव केप्ट सम स्वीट स्नैक्स आउटसाइड एंड आई होप यू एंजॉय दिस एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच।